दोस्तों जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू की है। इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे, कैसे इस ऑप्शंस को आपको ऑन कर लेना है जिससे आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह सेफ हो जाएगा, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता है। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कैसे अपने डेबिट कार्ड को आप सेफ रख सकते हैं, कौन से ऑप्शंस को आपको ऑन करना है जिससे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपका सेफ हो जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्या है पूरी बातें, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सेफ रखने के लिए आप फ्रॉड ट्रांजैक्शन में ना फंसे, आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने गाइडलाइन इशू की है कि आपको एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का ऑप्शन आपको बैंक प्रोवाइड करेगी। ये सारे बैंक, बहुत सारे बैंक पहले से प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ बैंकों में रेगुलेशन जारी कर दिया गया है कि 16 मार्च के बाद जो भी कार्ड इशू होंगे उसमें आपको ये फीचर्स देने हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ का। तो अगर आप SBI कस्टमर है तो आप अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को कैसे सेफ रखेंगे, तो सिंपली आपके पास योनो लाइट एप्लीकेशन होगा, उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे जाने के बाद वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको मैनेज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मैनेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको डोमेस्टिक यूज़र, इंटरनेशनल यूज़र, POS मशीन या फिर ATM विड्रॉवर और ई कॉमर्स CNP का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप सारे फीचर्स को ऑन और ऑफ कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। ATM ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं तो उसको भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ऑन भी करना है तो उसे ऑन भी कर सकते हैं। टेम्पोरली बेसिस पर ये होता है, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ का ऑप्शन सारे में मिल जाएगा। अगर आप नहीं इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल डोमेस्टिक ATM विड्रॉवल नहीं करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड, अगर आपका कार्ड डिटेल लीक भी हो जाता है तो कोई भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल बेसिस पे। ऐसे होता था कि अगर आपका कार्ड डिटेल लीक हो गया तो इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे आपका कार्ड यूज़ हो जाता था। तो यहाँ से ये फीचर्स को आप ऑफ कर लेंगे तो कोई भी कार्ड आपका इंटरनेशनल बेसिस पे यूज़ नहीं हो पाएगा अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप बंद करते हैं। अगर आपको कभी चालू भी करना होगा तो यहाँ से सिंपली लॉगिन करेंगे और चालू कर सकते हैं। ये था SBI डेबिट कार्ड का फीचर। तो वैसे ही सेम फीचर्स आपको मिलेंगे एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप को आपको खोलना है। वहां पर आपको क्लिक करना है सर्विसेज के ऑप्शन में। सर्विसेज में आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा डेबिट कार्ड मैनेजमेंट का, वहां पे आप क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड में। उसमें आपको नीचे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, नीचे से आप देखेंगे स्विच ऑन और स्विच ऑफ और मॉडिफाई इंटरनेशनल लिमिट या परचेज लिमिट है वहां पे, उसको आपको क्लिक करना। अगर स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना है डायरेक्टली वहां से कार्ड को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे होगा कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर आप स्विच ऑफ रखते हैं, अगर कार्ड डिटेल लीक भी हो जाता है तो कोई भी आपका ATM से विड्रॉवल नहीं कर सकता या फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये टेम्पोररी बेसिस पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, ब्लॉक नहीं होता है। तो आप इसे जब चाहे ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो सिंपली आपको कभी यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप लॉग इन कर इसे ऑन कर लेंगे। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो इसे ऑफ कर लेंगे। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई लिमिट मिलती है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं आप लिमिट को। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं तो स्लाइड कर जीरो कर लेंगे। अगर आप ATM विड्रॉवल भी नहीं करते हैं उसे भी आप जीरो कर सकते हैं। जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है तो यहाँ से लिमिट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे सेव कर लेंगे सबमिट, तो ये सबमिट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगने वाले और जब चाहें तब इसे मॉडिफाई भी इजिली आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ फीचर्स दिया गया है आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सेफ रखने के लिए। और भी बैंकों में ऐसा फीचर्स आपको मिलेगा। इस वीडियो में सारे बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। आप जिस भी बैंक का इस्तेमाल करते हैं उसके मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सर्विसेज के ऑप्शन पर जाना है, डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 21 मार्च से होगा क्या कि वहाँ पर आपको सारे बैंक ये ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। और जिनका नया कार्ड इशू होता है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है बैंक इसे बंद कर देगी। सिर्फ ATM विड्रॉवल और POS मशीन का ट्रांजेक्शन जो है ऑन रहेगा, बाकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो भी है वो ऑफ हो रहा है। दोस्तों RBI ने सभी बैंकों को रूल जारी कर दिया, 16 मार्च के बाद जो भी कार्ड इशू होंगे, रीइशू होंगे, उसमें ये फीचर्स कुछ ऑफ मिलेंगे। आप चाहें तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसे बंद करके दिया जाएगा। पहले जो कार्ड होते थे बाय डिफॉल्ट ये ऑन होते थे सारे फीचर्स, अब क्या किया गया सिर्फ ATM और POS मशीन की ट्रांजेक्शन हुए वो ऑन रहेगी, बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी ऑफ रहेंगी। तो आप इसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमर जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं वो कस्टमर केयर को कॉल लगाकर उसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करनी है तो आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे, वो आपका ट्रांजेक्शन्स ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से आप सारे बैंकों का कर सकते हैं। 16 मार्च के बाद जो भी ATM कार्ड इश्यू होंगे सारे में बाय डिफॉल्ट ये बंद कर दिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आप अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे जो यूजेज हैं उसे आप चालू करवा सकते हैं। सिर्फ ATM विड्रॉवल चालू होगा और POS मशीन पे आप स्वाइप करते हैं तो वहाँ पर ये कार्ड बाय डिफॉल्ट चालू होगा,
बाकी कहीं भी आपका कार्ड काम नहीं करेगा। तो आप अपने कार्ड को सेफ रखने के लिए इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो RBI ने एक रूल जारी करी, बाई डिफॉल्ट ये सब बंद होकर आएगा ट्रांजेक्शन, तो इससे होगा कि कार्ड वगैरह फ्रॉड रुकेंगे, जिस तरह से ATM के जरिए से फ्रॉड हो जाते थे, कुछ आपका कार्ड लीकेज के वजह से कार्ड में फ्रॉड हो रहे थे, ये सब चीज़ें रुक जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप सेफली अपने कार्ड को यूज़ करें, इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं 2-3 बैंकों का ही फीचर्स बता पा रहा हूँ, अगर आपको अलग अलग बैंकों पे वीडियो चाहिए कैसे इसे ऑन ऑफ करना है क्रेडिट कार्ड का या फिर डेबिट कार्ड का, मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 बैंक का मैं अलग से वीडियो बना पाऊँ। तो इस वीडियो मैंने जो था छोटे में बनाने की कोशिश की कि आप चीज़ें समझ पाएँ इस चीज़ों को। अगर आपका अदर बैंक का किसी बैंक में चाहिए आपको कि आप कैसे ऑन ऑफ करेंगे, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इस तरीके का वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी, मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब